Hello, friends. Let's start another question of bond portfolio. The market value of 100 par value bond carrying a coupon rate of 14% maturing after 10 years is 80. 80 is the market value of bond. Okay, <coughs> so language mein confused. Mein na. Market value of 100 par value bond carrying a coupon rate and yani interest rate 14% and maturing after 10 years, and <coughs> 80 is the market value. Okay, what is the yield to maturity yani YTM of the bond? तो so, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दो तरीकों से पहला आई आर आर से दूसरा शॉर्टकट मेथड ओके सो पहले हम आई आर आर से करेंगे उसके बाद शॉर्टकट मेथड से तो आई आर आर ट्राई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी दो डिस्काउंटिंग रेट एज्यूम करनी पड़ेगी ओके लेट्स से 17% एंड 19% हम एज्यूम करते हैं ओके okay? सबसे पहले सेवेंटीन तो सबसे पहले 17 परसेंट में हमें एन चाहिए ओके okay? तो एन कैसे निकलता है ये सब आपको अभी तक आ जाना चाहिए तो वन टू टेन इयर्स तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा ओके okay? इंटरेस्ट कितना परसेंट है फोर्टीन परसेंट सो फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट है और हमने रेट क्या एज्यूम किए है वैल्यू रेट 17 परसेंट ओके सो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सेवन इज इक्वल टू मैमरी प्लस 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 इज इक्वल टू मेमरी प्लस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस टोटल हमें कितनी बार करना है टेन टाइम्स ओके टेन टाइम्स करते ही जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? से फोर्टीन से क्यों बिकॉज इंटरेस्ट इज़ 14% परसेंट so सो हमें एवरी ईयर फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा तो हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर्टीन परसेंट रुपीज़ फ़ोटीन हमें एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें मल्टीप्लाई किससे कर देना है उस प्रेजेंट वैल्यू एंड मिटी फैक्टर को फोर्टीन से तो हमारा आ जाएगा कितना सिक्सटी फाइव पॉइंट टू टू ओके एंड एट द टेंथ ईयर यानी मेच्योरिटी पर हमें क्या मिलेगा वैल्यू ओके वैल्यू की कैलकुलेट करेंगे वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन सेवन और दस बार इज इक्वल टू दबाना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड से बिकॉज मैच्योरिटी पे हमें कितने रुपए मिलेंगे रिडेम्पशन वैल्यू हंड्रेड सो ट्वेंटी पॉइंट एट जीरो थ्री इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेमशन वैल्यू ओके नाव दोनों को ऐड करेंगे तो एटी सिक्स आ जाएगा एटी सिक्स पॉइंट जीरो नाव दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिडम्शन वैल्यू डेट वी गेट ओके इसको माइनस करेंगे हम हमारे जो मार्केट वैल्यू है ना जिसमें हमने खरीदा है बॉन्ड को तो माइनस कर देंगे एटी तो हमारा एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री ओके दिस इज़ पॉजिटिव डैट मीन्स हमें रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी तो हमने नेक्स्ट रेट ले ली नाइन्टीन परसेंट एक छोड़ के ले ली ओके okay? एटीन को छोड़ के नाइनटीन ले ली ना ये सब हमें एज्यूम करना पड़ता है ये रेट में इतना कोई वो नहीं है चीज़ अगर आप सेवेंटीन की जगह फिफ्टीन लेंगे तो भी आंसर आएगा बाद में थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा बाकी आंसर सेम ही आएगा लगभग ना नाइन्टीन परसेंट के हिसाब से भी सेम प्रोसेस वन टू टेन एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा बस हमें प्रेजेंट वैल्यू एंडिटी फैक्टर किसके हिसाब से निकालना है नाइन्टीन परसेंट सो नाइन्टीन परसेंट में भी सेम प्रोसेस वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन नाइन ओके तो इसको कितनी बार करेंगे इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू मैम प्लस ऐसे करेंगे हम दस बार ओके okay? जैसे ही दस बार करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्टीन से तो हमारा आ जाएगा सिक्सटी पॉइंट सेवन फोर फाइव ओके नो नेक्स्ट रिडेम्शन वैल्यू के लिए क्या करेंगे वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन नाइन इज इक्वल टू इज इक्वल टू इसमें मेमोरी प्लस नहीं करना है ओके मेमोरी प्लस किस में करेंगे इंटरेस्ट के टाइम बिकॉज इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो एवरी ईयर हो रही है बट रिडमिशन वैल्यू हमें ओनली एंड ओनली टेंथ ईयर के बाद मिलेगी यानी मेचोरिटी पर ओके सो हमारा आ गया वन सेवन सेवनटीन पॉइंट फाइव सिक्स जीरो ओके ना दोनों को ऐड करेंगे तो सेवेंटी एट पॉइंट थ्री जीरो फाइव इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड वी हैव टू डिडक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बिकॉज हमने वो पे कर रहे हैं अभी करंट ईयर में प्रेजेंट में मतलब 80 माइनस किया तो हमारा एन आ गया माइनस में 1.6947 पॉइंट सिक्स सो एन पी में क्या चाहिए होता है हमें एक एन चाहिए होता है जो पॉजिटिव हो एक एन चाहिए होता है जो नेगेटिव हो ओके okay? दोनों हमारे पास है अब सिंपल आई का फॉर्मूला लगाना है आई का फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस एन एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई एन पी एट लोअर रेट माइनस एन एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट ओके नाउ इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए सेवेंटीन जो कि था लोअर रेट हम हमने दो रेट ली थी एक सेवेंटीन एक नाइन्टीन तो सेवनटीन ले लिया लोअर रेट प्लस एन पी वी एट लोअर रेट सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू थ्री आया था यहाँ भी वही सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री माइनस अब यहाँ एक और माइनस आ जाएगा क्यों बिकॉज ये माइनस में आई थी एन पी वी एट हायर रेट माइनस वन पॉइंट सिक्स नाइन फोर सेवन तो नेट यहाँ पे प्लस आ जाएगा ओके माइनस माइनस प्लस

तो ये तो था फर्स्ट मेथड जो हमने किया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये बट इसमें जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा ओके नाउ हम करेंगे सेकेंड मेथड से भी सेम क्वेश्चन बस रेट में थोड़ा फर्क आएगा यहाँ 18.56 आ रहा है आई से अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट प्लस ब्रैकेट में रिडीमेबल वैल्यू माइनस परचेज प्राइस नंबर ऑफ़ इयर्स से डिवाइड करना है और यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय टू यानी बेसिकली एवरेज करना है वैल्यू और परचेज प्राइस का एवरेज ओके सिंपल वैल्यूज पुट कर दीजिए फोर्टीन जो कि इंटरेस्ट था रिडीमेबल वैल्यू थी हंड्रेड एटी इज़ द परचेज प्राइस बिकॉज करंटली मार्केट में वो बॉन्ड कितने में मिल रहा है एटी में तो माइनस कर दिया एटी दैट इज़ परचेज प्राइस डिवाइड कर दिया टेन से डेट इज़ नंबर ऑफ इयर्स और नीचे हंड्रेड प्लस एटी का एवरेज ट्वेंट टू कर दिया ओके okay. फिर सिंपली सॉल्व करना है इसको और हमारा आंसर आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट सेवन एट परसेंट ओके यूजिंग वाई टी एम शॉर्टकट ओके सो so, दो तरह से कर सकते हैं अब आपने देखा होगा यहाँ पे 17.78 पॉइंट सेवन एट परसेंट आया और यहाँ पे 18.56 पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट आया ओके तो डेट इज़ द डिफरेंस ये रहेगा जब भी आप आई से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और परसेंट आएगा और जब शॉर्टकट से करेंगे तो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होगा ओके सो so, क्वेश्चन में कुछ खास पॉइंट नहीं था बस हमें वाई कैलकुलेट करना सीखना था इसलिए मैंने इस सीरीज़ में डाला तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फाप कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वाई टी एम इल टू मेच्योरिटी फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं पहला आई आर आर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दूसरा वाई टी एम शॉर्टकट ओके आई आर आर में हमें क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है दो रेट्स एज्यूम करनी है जिसमें एक रेट में हमारा एन पी वी प्लस में आना चाहिए और दूसरी रेट में एन पी वी माइनस में आना चाहिए ओके नेक्स्ट फिर क्या किया था हमने सिंपल सारी इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी सारी रिडिमल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकल गई और अभी हमने कितनी पेमेंट की एटी तो एन आ गया हमारा सिक्स और इस केस में हमने क्या किया प्रेजेंट सेम मेथड बस हमारा एन पी वी यहाँ नेगेटिव आया ओके वही हमें चाहिए था सिंपल इस फॉर्मले में पुट कर दी सारी वैल्यूज और हमारा आ गया आई मेथड से वाई टी एम एटीन पॉइंट फाइव सिक्स ओके शॉर्टकट में क्या है सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमें अप्लाई करना है इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स और उसको डिवाइड कर देना है किससे एवरेज से किसके एवरेज से रिडीमेबल वैल्यू एंड परचेज प्राइस के एवरेज से ओके सिंपल okay? सा फॉर्मूला है बस ये ये जो मेथड है फर्स्ट वाला वाई टी एम यूजिंग आई आर आर ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी पड़ता है इसलिए अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हो कि आईआरआर से नहीं करना है देन आप इजीली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं बिकॉज दिस फॉर्मूला इज़ अ शॉर्टकट मेथड ओके इससे आंसर आपका बहुत फास्ट आएगा और इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी कुछ दे सकते हैं इंटरेस्ट के एब्रीविएशन आई फॉर इंटरेस्ट आर वी रिडीम वैल्यू परचेज प्राइस अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और अगर क्वेश्चन में कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा डायरेक्ट आंसर पूछा देन यू कैन कैलकुलेट इजीली बाय कैलकुलेटर ओके सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड एंड दिस इज लेंथी मेथड बिकॉज इसमें आयर आपको एज्यूम करना पड़ेगा उसके बाद फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे और उसमें भी आपका एकदम पॉइंट्स का फर्क आएगा ओके okay?